नमस्कार दोस्तों, LCD टेक्निकल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एक कंपनी से दूसरे कंपनी में पैसे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको लाइव करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा लें, ताकि जब भी मैं न्यू अपडेट लाऊँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो हेलो दोस्तों, आ गए अपने स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउजर खोल लीजिए। क्रोम ब्राउजर खोलने के बाद यहाँ पर टाइप करिए ppfindia.in, इसी को सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद तो उसको क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। लिस्ट ऑफ मोड, आप ऐसा अगर लिस्ट ऑफ मोड पर ला लेंगे तो एकदम पीसी की तरह ओपन होगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर अपना यूनियन नंबर, यहाँ पर पासपोर्ट, यहाँ पर कैप्चर कोड डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, हम अपना डाल के दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम अपना डाल चुके हैं। यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, आपको ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना है, फिर दूसरे नंबर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो दोस्तों, अगर आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी को पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना एक चीज़ ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपका डेट ऑफ एग्जिट, कंपनी छोड़ने की डेट डलवा लीजिए। अगर आपको नहीं पता कि डेट आप कैसे डालते हैं तो इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ अगर कंपनी छोड़ने की डेट मेंशन करवा लेते हैं तभी आपको अच्छा है। तो दोस्तों, आपको नीचे आना है। तो दोस्तों, यहाँ पर है कि आप नए एम्प्लॉयर के थ्रू अप्रूव करवाना चाहते हैं या पुराने। तो दोस्तों, आपको अगर नए एम्प्लॉयर के साथ ज़्यादा अच्छी जान पहचान है या पुराने एम्प्लॉयर के साथ अच्छी बातचीत होती है तो आप चुन सकते हैं। पर पहले नंबर पे दिया है पुराना, दूसरे नंबर पे दिया है प्रेजेंट एम्प्लॉयर। तो दोस्तों, दूसरे वाले को चूज करिए तो अच्छे हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर गेट, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर आप यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कितने कंपनी हैं। तो दोस्तों, आपकी जो कहोगे इतनी कंपनी रहेगी यहाँ पर शो कर देंगे। तो दोस्तों, आप पहले यहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद तो दोस्तों, मैंने इनका पैसा ट्रांसफ़र कर दिया हूँ, इसलिए वो ऐसा दिखा रहा है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले यहाँ पर जाना है, ये तीनों कंपनी में
क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको तीसरे नंबर पर क्लिक कर, जो आपकी लास्ट कंपनी है उसी को आप क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ गेट OTP पर क्लिक कर दीजिए। आपके जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए, आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आप ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो स्टेटस देखने के लिए दोस्तों ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करिए। ऑनलाइन सर्विस क्लिक करने के बाद तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों टेक केयर।